गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल स्टडी में आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर नंबर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब चैप्टर नंबर टू में भी हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर वन में हमने पढ़ा था कि क्या हम एक जैसा खाना खाते हैं या अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अगर हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? हम खाने में सिर्फ एक ही तरह का खाना क्यों नहीं खाते हैं? जैसे सिर्फ दाल खा ली या फिर चावल खा लिए या सिर्फ दूध पी लिया। हमें डिफरेंट फूड आइटम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्या डिफरेंट फूड आइटम में कुछ डिफरेंट पाया जाता है? तो आप बोलोगे, मैम टेस्ट डिफरेंट पाया जाता है। जी हाँ, टेस्ट तो डिफरेंट पाया जाता है, पर साथ में डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आप बोलोगे, मैम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेटा, न्यूट्रिएंट्स से ही हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है, साथ में हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हो, मैम क्या हम न्यूट्रिएंट्स को देख सकते हैं? बेटा, हम न्यूट्रिएंट को देख तो नहीं सकते, पर हाँ न्यूट्रिएंट्स को हम महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर आप सुस्त होते हो और एकदम से आप ग्लूकोज वाटर पीते हो या फिर आप चीनी खाते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तो आपने एक नए न्यूट्रिएंट के बारे में सुना जिसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह से हम दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, दालें खाते हैं और इनसे हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन पाया जाता है। मतलब एक और नया न्यूट्रिएंट आपने क्या सुना? प्रोटीन। साथ में हम घी खाते हैं क्योंकि घी से भी हमें एनर्जी मिलती है, साथ में हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है, बॉडी हेल्दी हो जाती है, फैटी हो जाती है, क्योंकि घी में फैट पाया जाता है। उसी तरह से जब हम सब्जियां फ्रूट्स खाते हैं तो हम कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि सब्जियों में और फ्रूट्स में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल्स भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स। मतलब बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और डिफरेंट फूड आइटम में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हम डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन भी मिले, फैट भी मिले, विटामिन और मिनरल्स भी मिले, जिससे बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो, साथ में बीमारियों से भी हम बच सकें। तो बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, मतलब फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और साथ में रफेज के बारे में। रफेज होता है सैलड जो हम खाते हैं, जैसे कुकुम्बर, खीरा, प्याज, कोई भी रॉ फूड जो हम खाते हैं जो बॉडी से अनवांटेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इन सभी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन सभी न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में क्या रोल होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, फैट से हमें क्या मिलता है, विटामिन, मिनरल, रफेज से हमें क्या मिलता है, और साथ में हम पढ़ेंगे सोर्स के बारे में कि इन सभी का सोर्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमें किस फूड आइटम से मिलता है, प्रोटीन हमें किस फूड आइटम से मिलता है, फैट हमें किस फूड आइटम से मिलता है, विटामिन, मिनरल हमें किस फूड आइटम से मिलता है, और हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। अगर बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं। थोड़ा सा चैप्टर लेंथी जरूर है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने इस चैप्टर को क्रैम नहीं करना है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लिया, आपने इसको अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आपको फूड की नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेंस्ड फूड क्या होता है। तो फूड की नॉलेज हर स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, आपको बुकिश नहीं बनना है बेटा, आपको नॉलेज भी लेनी है। जब आपको नॉलेज अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी आसानी से कर पाओगे, और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इस तरह से इस कंप्लीट चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी आसानी से कवर कर सको। तो आपने ध्यान से कंप्लीट चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड।